है गाइज व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब लोग जैसा कि आप सब लोग को पता है कि सीए एग्ज़ाम्स के लिए ओल्ड सिलेबस का सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट के लिए मे 2021 का जो अटैम्प्ट है सर वो लास्ट अटैम्प्ट है आखिरी अटैम्प्ट है एंड क्योंकि आखिरी अटैम्प्ट है तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं क्वेरीज हैं प्रॉब्लम्स हैं एंड दीज डाउट्स क्वेरीज प्रॉब्लम्स दे आर रिलेटेड टू द एग्जामेशन रिलेटेड इशूज दैट इफ़ दे अपीयर फॉर दी यू नो ओल्ड सिलेबस तो एग्जामेशनस को किस तरीके से किन सब्जेक्ट्स के साथ कैरी ओवर किया जाएगा टाइमलाइन रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की बिकॉज लास्ट ईयर एक अटेम्प्ट सी का हुआ नहीं था जिसकी वजह से आर्टिकल शिप्स की जो पूरी टाइमलाइन होती है वो गड़बड़ा गई एंड एक स्विच ओवर जब नए कोर्स में होगा तो किस तरीके से होगा इस पर कंप्लीट क्लैरिटी की स्टूडेंट्स हमेशा से मांग कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट भी जल्द मेरे हिसाब से इस पर क्लैरिटी लेकर के आएगा मेरी बातचीत जो है वो स्टूडेंट से है मैं स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ सर कि इंस्टीट्यूट सही समय आने पर गाइडलाइंस ले आएगा हम भी वेट कर रहे हैं गाइडलाइंस का कब गाइडलाइंस आती हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ ये सजेशन देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि बार बार अगेन एंड अगेन सेम क्वेस्स को रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट मत करें सर एंड फोकस ऑन योर स्टडीज जस्ट फोकस दैट मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज योर लास्ट अटेम्प्ट एंड इसको फोकस करके अपनी पढ़ाई को करिए और ये रिपीटेड क्वेश्चन मत पूछिए बिकॉज इंस्टीट्यूट को भी ये सारी बातें कहीं ना कहीं पता है एंड दे विल बी कमिंग आउट विद द स्विच ओवर स्कीम फ्रॉम ओल्ड टू न्यू सिलेबस वेरी सून एंड दिस इज एक्सपेक्टेड यू नो एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग द सेम दैट देर शुड बी अ क्लैरिटी फ्रॉम द साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड इट विल भी डेफिनेटली कमिंग मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको समझना चाहिए कि इंस्टीट्यूट कभी भी ऐसा नहीं करेगा अगर एग्जेमशन आपको मिली किसी सब्जेक्ट के अंदर तो वो डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होगी तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को अभी हालत हालांकि इस पर अभी क्लैरिटी जो है वो हम इंस्टीट्यूट की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी लोग कि इंस्टीट्यूट एक डिटेल्ड क्लैरिटी दे कि किस तरीके से स्विच ओवर किया जाएगा और जो सारे रिलेटेड क्वेरीज हैं टाइमलाइन इश्यूज हैं सबको सॉल्व करें उसमें ओके okay, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए आप इस चीज़ को समझिए सर कि जो भी बेनिफिट होगा वो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा राइट right? ऐसा नहीं होगा कि आपको आपके बेनिफिट से वंचित रखा जाए तो इस चीज की टेंशन को दिमाग से निकाल करके बस इस चीज पे फोकस करिए कि मई इक्कीस अब अगर आप ओल्ड सिलेबस में एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं ओके इफ़ यू आर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग टू यू नो टेक द एग्जाम फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस इन द टी 2021 देन यू शुड बी वेरी क्लियर दैट यू यू डू नॉट द सेम डाउट्स ओके कि अगर हमने एक ग्रुप दे दिया तो नए में हम सेकंड दे देंगे क्या दूसरा दे दिया पहला दे देंगे क्या ऑल दीज थिंग्स जो भी आपके क्वेरीज हैं वी आर एक्सपेक्टिंग आई सी आई टू यू नो आंसर दीज क्वेरीज एज सुन एज़ पॉसिबल पर तब तक मैं आपको कहूँगा कि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें शांति से तसली से पेशेंस के साथ धैर्य के साथ अपनी तैयारी जारी रखें ओल्ड सिलेबस की एंड वेट करें कि सही समय जब आएगा तो इंस्टीट्यूट जरूर इन गाइडलाइंस को लेकर के आएगा दीज गाइडलाइंस आर अवेटेड बाई एवरी वन ओके बट डू नॉट पैनिक एंड डो नॉट आस्क द रिपीटेड डाउट्स अगेन एंड अगेन ओके इससे समय व्यर्थ होता है आप यहाँ वहाँ अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करते हैं तो मेरी आपसे यही सलाह है सर हमेशा मैं एक बात कहता हूँ दैट यू गाइज आर सो ऑसम एंड इफ़ यू गाइज़ आर न्यू टू दिस चैनल आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन थैंक यू सो मच लाइक दिस वीडियो शेयर दिस थैंक यू सो मच हैव एन ऑसम डे इन्जॉय